रुके रुके भाई साहब, वीडियो बंद मत कीजिए। 12 बंके जब मत की लगातार 3 एक्सप्रेस खबरें दिखाएंगे आपको, वो भी बिना रुके। श्रद्धांजलि भी दी गई और पीड़ित समस्या भी सुनने को मिली। बाराबंकी जनपद में बड़े दिनों के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रकट हो गई। भाई साहब, स्थापना दिवस मनाया गया था। इस दौरान कई पदाधिकारी गण देखने को मिले और साथ ही इनके पदाधिकारी से हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की, तो सुनिए क्या कह रहे हैं। हाँ, क्या था आज का प्रोग्राम? आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1926 दिसंबर के दिन हुई थी, उसका ये उत्सव। तो आज स्थापना दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि जिन कारणों की वजह से दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट विचारों का की सरकारें बनी, जब तक वो कारण मौजूद रहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारों की आवश्यकता बनी रहेगी। नाम लिखते हैं अपने प्रधानमंत्री सिंह सुमन। किस पद पे हैं? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद का सदस्य। इधर स्थापना दिवस तो मन ही रहा था, उधर भाई साहब बाराबंकी जनपद बेनी प्रसाद बाबू याद किए गए। जैसा आपको बता दें कि मुट्ठी भर माटी अर्पण श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान राकेश वर्मा सहित कई पदाधिकारी गण और साथ ही सपा के कई दिग्गज नेता देखने को मिले। इस दौरान हरिशंकर पटेल से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, सुनिए क्या कह रहे हैं। बाराबंकी जनपद के गौरव और पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में आज यहाँ जनपद नहीं देश के कोने कोने से आए लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आज बाराबंकी ही नहीं देश के में आज एक युग का अंत हो चुका है और नए युग की शुरुआत करनी है। आदरणीय बेनी बाबू जैसे राजनेता का असामयिक निधन हो जाने के कारण बाराबंकी के साथ साथ देश की राजनीति की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज हम लोग दुखी हैं कि हमारे बीच में हम लोगों को विकास का, सच्चाई का रास्ता दिखाकर आज हमारे बीच में नहीं है। हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चल के देश और समाज को एक नई दिशा देने का काम करने। उधर बाराबंकी जनपद के बड्डूपुर थाना क्षेत्र का एक मामला आता है, जहां पर बेचारा एक पीड़ित बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास गुहार लगा रहा है। और भाई साहब, शिकायत किसे की है? पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय को। फिलहाल अपनी समस्या क्या बताया तनिक सुनते जाइएगा। हिमांशु वर्मा हमारा जमीन कब्जा कर रहे हैं। क्या कोतवाली गए थे? हाँ, कोतवाली गए रहे। इसे बताए तो अब कहें कि हमारा हमारा तुम्हारा बयानामा समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा बयानामा ऐसा ही बयानामा होते है, ना। तो इन बेचारे दादाजी की बातें सुन रहे कुछ समझे या नहीं समझे, फिलहाल हम भी नहीं समझ पाए, तो थोड़ी बहुत जानकारी हम ही बता देते हैं। इनका ये कहना है कि भाई साहब, भू माफिया हिमांशु वर्मा नाम का एक व्यक्ति हमारी जमीन पर कब्जा किए ले रहा है। थाना अध्यक्ष बड्डूपुर वाले के पास गए थे लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, उनके समझ ही में नहीं आया कि कैसा बैनामा हो गया। फिलहाल कुल मिलाकर यही है कि स्टे हो चुका है, तनिक कार्रवाई की जाए। स्टे होने के बावजूद भी काहे उस पर अतिक्रमण किए गए हैं। फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए एबी न्यूज़ को। और लगातार खबरें पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।